बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मौसमी मकामी हुकूमतों के क्याम के सिलसिले में पहले मरहले में 18 जिलों में पोलिंग जारी है। पोलिंग जो सुबह 8 बजे शुरू हुई, किसी वक्फे के बगैर शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। ताहम मुकर्रर वक्त तक पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद वोटर्स को वक्त खत्म होने के बाद भी वोट डालने की इजाजत नहीं होगी। इन जिलों में मजमू तौर पर 956 यूनियन काउंसिलों की मुस्लिम मर्द, खवातीन, मजदूर, किसान और अकलियती नशस्तों और नाजमीन और नायब नाजमीन के इंतखाब में 31,605 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। सरगोधी, मियांवाली, भक्कर, खुशाब, मुजफ्फरगढ़, लैया, राजमपुर, डेरा गाजी खान, लालकाना, शिकारपुर, जैकबाबाद, बन्नू, लकी मरवत, डेरा इस्माइल खान, टांग, केच, गवादर और पंजगूर के जिलों में वोटर्स की कुल तादाद तकरीबन 90 लाख है। नौजवानों को कौमी उम्र में शामिल करने के लिए मुल्की तारीख में पहली मरतबा वोटर्स की उम्र की हद 21 साल से कम करके 18 साल कर दी गई है। जिन जिलों में पोलिंग हो रही है वहां से पाकिस्तान टेलीविजन के नुमाइंदों के मुताबिक पोलिंग स्टेशनों पर सुबह ही से लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए थे और वो निहायत जोश और जज्बे से अपने मकामी नुमाइंदों के इंतखाब में हिस्सा ले रहे हैं। अक्सर मकामात पर बारिश के बावजूद बड़ी तादाद में लोग वोट डाल रहे हैं। खवातीन के पोलिंग स्टेशन पर भी काफी रश नजर आ रहा है। इलेक्शन कमीशन के ऐलान के मुताबिक अगर किसी वोटर के पास शिनाख्ती कार्ड न हो और उसका नाम इंतखाबी फहरिस्त में दर्ज हो तो वो पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या कोई भी दूसरी कानूनी दस्तावेज दिखाकर अपना हक राय इस्तेमाल कर सकता है। इलेक्शन कमीशन ने, जिसे पहली मरतबा मकामी हुकूमत के इंतखाबात कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, इन 18 जिलों में मजमू तौर पर 9,264 पोलिंग स्टेशन और 32,812 पोलिंग बूथ कायम किए हैं। पोलिंग खत्म होने के फौरन बाद वोटों की गिनती शुरू कर दी जाएगी और नतीजे का करहतनी ऐलान फौरन कर दिया जाएगा।